नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। मैं हूँ भास्कर लिंगम। हम मौजूद है इस वक्त थक्कर बापा में, जहाँ पर रोहिदास हॉल में यहाँ पर रोज़गार मेलावा का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन है, इनके साथ में मिलकर जो ओम साई जनसेवक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इन्होंने यहाँ पर लॉकडाउन के चलते जो बेरोज़गारी देश में हुई है, उसी को ध्यान रखते हुए हमारे जो उनके लोकल एरिया में इन्होंने रोज़गार मेलावा का प्रोग्राम आयोजन किया है। तो आइए हम जानते हैं जो इस प्रोग्राम के आयोजक है जो राजू जी, राजू थोराज जी, हम उनसे ही जानते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम उन्होंने आयोजन किया और लॉकडाउन में किस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की है। तो राजू जी, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे राजू जी, जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है, लोगों का नौकरी गए, लोग बहुत लोगों ने रोज़गार यहाँ पर नहीं हुआ है, बेरोज़गार भी हुए लोगों को, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपको ये सूझा कि ये प्रोग्राम आयोजन करने का? ओम सैराम, मेरा नाम राजू थोरत है, प्रभाग क्रमांक 101 में। हमारे संस्था जब से देश में लॉकडाउन घोषित किया, मार्च से लेके जब लॉकडाउन घोषित किया, उसके दूसरे दिन से हम लोग ने जो गौर गरीबों को ले खाना बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने जो गौर गरीब है उनको मास्क देने का काम स्टार्ट किया। उसके बाद राशन देना स्टार्ट किया और उसके बाद हर वार्ड में लेके पूरा जो आजू बाजू का जो कुरला है, माटुंगा है, वहाँ पे जाके हम लोग ने फूड पैकेट को प्रोवाइड करने का कोशिश हम लोग ने की है और करते है। और उसके लॉकडाउन के माध्यम से आज देखा तो यहाँ पर जो छोटे मोटे उद्योग धंधे वो बंद पड़े हैं, जो कंपनी है वो बंद है। बड़े बड़े लोग हैं जो घर में बैठ के काम करते हैं, जो लोग मिडिल कास्ट के, उससे छोटे मिडिल कास्ट के, और वो आज घर में बैठे हैं। आज खाने के लिए उनको इनके पास पैसा भी नहीं है और जॉब भी नहीं है। तो हमारे ये पूरे टीम ने बैठ के एक तय किया कि क्यों नहीं हम इस लॉकडाउन में, आज जो लॉकडाउन चालू ही है लेकिन बेरोज़गारी बढ़ती गई है, तो आइए ठक्कर बापा वसला ताई नाइक ने समझे नगर, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग घर में काम करते हैं, चप्पल बनाने का अपना घरगुती व्यवसाय चालू करते हैं। आज उनका वो व्यवसाय ठप्प गिरा है, उनके पास भांडवल नहीं है काम चालू करने के लिए। तो इसीलिए इस संकल्प के माध्यम से आज हम आपको एक बार राशन देंगे, दो बार देंगे, लेकिन हमने सोचा हम आपको काम देंगे तो आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी राशन के लिए। किसके बाद आप उन मेहनत करके खा सकते हैं, काम करके खा सकते हैं, इसी संकल्पना लेके हमने आज पूरे वार्ड में ये रोज़गार मेला का नियोजन किया है। तो ये जो आपने कार्यक्रम आज आयोजन किया है, तो किस तरह से लोगों का प्रतिसाद मिला है आपको यहाँ पर, और कितने पार्टिसिपेंट्स आए हैं यहाँ पर जो रोज़गार मेला में फॉर्म भरने के लिए? यहाँ से सुबह से लेके आज जो आने हैं आप देखते रहे, चालू है सुबह, हम लोग 11 बजे से कार्यक्रम को स्टार्ट किया था, तो अभी तो लोग आ रहे हैं, महिला भी उन महिलाओं को प्रतिसाद अच्छा है, बच्चों लोग का, लड़के लोग का भी है, बूढ़े जो कम उम्र के 55 के अंदर उनका भी रिस्पॉन्स अच्छा है इस प्रोग्राम के, कि उनको एक आस लगी है कि हमें किधर ना किधर जॉब मिले, क्योंकि ये जॉब आज लोगों का पूरे भारत देश में जॉब नहीं है लॉकडाउन की वजह से। इसीलिए हम लोगों ने बोला कि एक प्रयास करो, प्रयास करेगा तो उसका फल जरूर मिलेगा। आपके जो संस्था के जो कार्यकर्ता है उनका किस तरह से आपको इसमें सहयोग मिला? ये हमारे संस्था ये सुनील वाघमारे साहब है, उनके माध्यम से हम ये अश्विन फाउंडेशन की तरफ से हमें उनके इंस्टीट्यूट करके दिया, मिला के दिया कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, तो इनके सूचे हुए से हम लोग ने पूरा वार्ड में ऐसा ऐसा प्रोग्राम करेंगे। हमारा जो साई सेवक का टीम है पूरा बैठ के, नहीं हम लोग प्रयास किए कि लोगों को जॉब देंगे। आज हमारे पास, हमने जो लॉकडाउन में जो लोगों के लिए किया है, लेकिन अभी हमको ये करना है कि लोगों के घर घर जॉब मिलना चाहिए, ये हमने ध्येय लेके आज ये प्रोग्राम किया है। और लॉकडाउन के अलावा भी ये कब इसकी स्थापना हुई है संस्था की, और किस तरह से संस्था कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, किस तरह से लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सुनील भाई, जैसे आप भी इस संस्था के सदस्य हो तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुनील वाघमारे है, मैं इस संस्था का सरचिटनीस हूँ। जैसे भी हमारे अध्यक्ष राजू थोरात ने आपको बताया, आज की हालत ही ऐसी है कि ये लॉकडाउन की वजह से पूरा देश में अपने काम धंधे सबके जॉब चले गए हैं। जो सुशिक्षित है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे है, उनके जॉब वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से घर में चालू है, लेकिन जिस ऑफिस में 50-60 आदमी लोग जो काम कर रहे थे, जो सफाई करने वाला हो, बैक ऑफिस में काम करने वाला हो, आज उनके जॉब चले गए हैं। हाँ, इसके कारण क्या है कि हम लोग जब हमारा जो प्रोग्राम हम लोग चालू किया था, मैं साई बाबा नगर में अश्विन फाउंडेशन का कार्यक्रम, अश्विन मलिक फाउंडेशन का प्रोग्राम रखा था,
मेरा उधर थोड़ा स्पेस कम था, लेकिन जो उधर वो रिस्पांस मिला, आज के तारीख में सोशल डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वही प्रोग्राम अगर उधर और करना चाहता हूँ तो हम लोग डिसाइड किया बैठ के राजू थोड़ा था और हम लोग ने कि एक बड़े तादाद में ये प्रोग्राम होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, सबको मास्क सैनिटाइज़र ये सब पालन करके हमको ये लोगों को रोज़गार। आज जिस जगह पर ये कार्यक्रम चल रहा है वो ठक्कर बप्पा कॉलोनी है, बहुत बड़ी मशहूर कॉलोनी है, आशिया खंड में इसका नाम है, जो घर घर में चप्पल बनाते हैं, लेकिन आज के तारीख में किसी के घर में चप्पल बनाने का काम चालू नहीं है। सब बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, इससे क्या हो गई है, भूखमारी सबसे पहले पैदा हो गई है। आदमी के पास पैसा था वो खत्म हो गया, भूखमारी के वजह से अभी गुनेगारी चालू है, गुनेगारी सब इधर उधर चोरी मारी सब बहुत सारे प्रकार हमारे इधर भी हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ काय की वजह से, जब तक अपने पास कोई साधन न हो, अपने पास जरिया नहीं हो माल पैसा कमाने का, तो हम लोग ने ये सोच के ये तय किया कि अपन बेरोजगार का लोगों का मेलावा रख के लोगों को रोजगार देने का, सबसे पहला सबसे पहला पैसा रहेगा तो ये सब गुनहगारी बंद होएगी, अपने को खाने को मिलेगा। सरकार ने जो बांटा हुआ राशन है, राशन को पकाने के लिए गैस लगता है, गैस लेने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा लोगों के पास नहीं, राशन लेके घर में रख के उसको सड़ रहे राशन। लेकिन सबसे पहली जरूरत है पैसा, पैसा कैसा आएगा तो काम करने से आएगा, और काम मिलना जरूरी है। लोगों ने ऑफिस से पब्लिक को हटा दिया है, बहुत छोटे तादाद में उधर काम चल रहा है, उसके वजह से हम लोग बोले कि ये सर्वसामान्य जो लोग हैं जो बैक ऑफिस में काम करते हैं, तो इस अश्विन मलिक फाउंडेशन मेशराम फाउंडेशन के माध्यम से जो अशिक्षित है जिसकी पढ़ाई कुछ नहीं, वैसे जैसी महिला हो वो आया भाई की काम करेगी, घर घर में जाके बर्तन मारने का काम करती है, उनको भी काम मिलना चाहिए। जैसे ज़्यादा पढ़े लिखे है उनको ऑफिस में काम मिलना चाहिए, जो कम पढ़े लिखे पुरुष है उनको सिक्योरिटी गार्ड का काम मिलना चाहिए। तो सभी प्रकार के, जैसे कि जिसकी उम्र है 18 साल से ऊपर 55 साल तक, सबके लिए हम लोग यहाँ नौकरी रखी है, और बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ मिला है। इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि अभी मुझे कुछ संवाददाता इधर आए थे, जो रिपोर्टर आए थे, उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है, इसको और एक अपने को तय करना है। उससे पहले हम लोग ये अपना हमारे इस एम पश्चिम विभाग के जो प्रभाग समिति अध्यक्ष है आशाताई मराठे, सुभाष मराठे, ये रेगर विकास संघ के मुंबई संघ के अध्यक्ष है, उन्होंने मिलकर जो पंतप्रधान ने आत्मनिर्भर निधि जो पुनर्विकसित करने के लिए जो आत्मनिर्भर एक योजना चालू की, उस योजना को लोगों तक हम लोग ने इस वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ हम लोग फॉर्म बांटे, उनको कर्जा दिया। कल रात को ही हमको फीडबैक आया है बैंक का, बहुत जन के लोन पास हो गए, सबको 10,000, 20,000, 50,000 के उपरांत में उनको पैसा मिलने वाला है। तो ये सब कार्य हमारे ओम साई जनसेवक चैरिटेबल ट्रस्ट के ओर से पूरे वार्ड में चलते आ रहे हैं, और ये अभी हमको बहुत खुशी हो रही है कि बहुत रिपोर्टर हमारे ये इसकी माहिती ले रहे हैं कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहा है इस संस्था का उधर आ रहे हैं। आप सभी का, जितनी संवाददाता हर लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, आप सभी का हमारे ओम साई जनसेवक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सुनील जी। तो जैसे आपने देखा कि सुनील जी और राजू जी ने पूरा विस्तार में बताया कि किस तरह से उनकी संस्था लोगों को लॉकडाउन में मदद कर रही है और लॉकडाउन में किस तरह से काम कर रही है। हमारे साथ अश्विन मलिक मेशराम फाउंडेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है कुशल जी, हम उनसे जानेंगे किस तरह से उनकी संस्था लॉकडाउन में लोगों की मदद कर रही है और किस तरह से जो बेरोजगारी, लॉकडाउन में बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, उसको ध्यान में रखते हुए अश्विन मलिक मेशराम फाउंडेशन ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि लोगों को रोज़गार देना, और इस विषय में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे कुशल जी से। कुशल जी, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने ये बहुत ही अच्छा जो काम कर रहे हैं आप लोग रोज़गार का, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर, किस तरह से ये काम किया जा रहा है और कितने जगह पर अभी तक किया गया है? तो मैं कुशल बुआ हूँ, मैं यूथ प्रेसिडेंट हूँ अश्विन मलिक मेशराम फाउंडेशन का। मैं तुमको अश्विन मलिक मेशराम फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगा। हम मेनली तीन सेक्टर में काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और एडुकेशन। ये सिचुएशन, लॉकडाउन की सिचुएशन में कितने सारे लाखों लोगों ने जॉब लूज़ कर दी है, घर पर खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। हमने राशन डोनेशन ड्राइव्स की, हमने बहुत सारी चीज़ें की, पर हमारा मेन फोकस एम्प्लॉयमेंट रहा है, क्योंकि जिसके घर पर नौकरी हो जाए, एक जन कमा पाए, वो उनको राशन की ज़रूरत नहीं है किसी की तरफ से, वो खुद अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं। इसलिए हमने ये एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्टर है उसको लेकर बहुत काम करना चालू किया। ये हमारा बहुत सारे ड्राइव्स हो गए हैं लॉकडाउन में, बहुत सारे संस्थाओं की वजह से हम साथ में जुड़ के उनके साथ काम कर रहे हैं। ड्राइव कर दिया हमने, 500 से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी जॉब्स दे चुके हैं, और हमारे साथ 100 से ज़्यादा कंपनियाँ जुड़ी हुई है, जिसमें से 30 कंपनियाँ बहुत एग्रेसिवली हायर कर रही है। इधर सिक्योरिटी
गार्ड से लेकर डिलीवरी बॉय से लेकर MBA तक के लिए सबके लिए जॉब्स हमारे पास है, और ये ओपनिंग्स हमारे पास 10,000 से भी ज़्यादा ओपनिंग्स है जो हम ऑफर करते हैं लोगों को। करेंटली हम क्या करते हैं, हम लिंक बन जाते हैं कंपनी और लोगों के बीच में, बिकॉज जिनको ऑनलाइन फॉर्म भरना आता है वो तो ऑनलाइन फॉर्म भर के जॉब ले लेते हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जिसको ऑनलाइन पोर्टल में जॉब भरना नहीं आता है, बहुत सारी डिटेल नहीं आती है, तो हम उनके लिए लिंक बन जाते हैं। हम उनका डेटा लेकर कंपनीज को फॉरवर्ड करते हैं कि ये लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनको कंपनीज फिर डायरेक्टली कॉल करती है, रेज्यूमे मांगती है, सब करती है। तो इस तरीके से हम ऑल्सो एजुकेशन में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा 10th 12th का स्कूल्स चालू नहीं हो रहे, कॉलेजेस चालू नहीं हो रहे, और बच्चे बहुत कन्फ्यूज है कि क्या करें आगे जाके। हमने देखा है कि एक मोहल्ला अगर एक जन कॉमर्स ले रहा है तो पूरा मोहल्ला कॉमर्स लेता है, तो हम उनको गाइड करते हैं कि कौन सा फील्ड लेना चाहिए, उनका इंटरेस्ट क्या है। मतलब करियर गाइडेंस का प्रोग्राम भी आपकी तरफ से आयोजन किया जाता है, तो किस एरिया में, किस क्षेत्र में आप करते हैं ज़्यादा, स्लम एरियाज में, कहाँ पर ये करियर गाइडेंस का प्रोग्राम किया जाता है? जिसको भी ज़रूरत है हम उनके लिए काम करते हैं। हम अभी करेंटली बहुत सारे बेल्ट्स में काम कर रहे हैं, कुरला, घाटकोपर, अंधेरी, पवई, बहुत सारे ये सब बेल्ट्स में काम कर रहे हैं, बहुत सारे करियर गाइडेंस सेमिनार्स कर रहे हैं कि बच्चों को बता सके हम कि अगर एक आपका फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है तो कॉमर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे फील्ड्स है, बहुत सारे डिप्लोमाज है, और अगर आपके 12th के बाद आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो बहुत सारे अलग टेक्निकल चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं। और आपने देखा होगा स्किल इंडिया का बहुत सारा मिशन चल रहा है, उनको अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स देते हैं, वुमेन लोगों को ज्वेलरी मेकिंग, पैड मेकिंग, डाइपर मेकिंग, के वो घर पर बैठ के काम करके कमा सके, उसकी सब टाइप ऑफ एजुकेशन, सब टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं इस तरीके। धन्यवाद कुशल जी। तो ये थे कुशल जी, जो जिन्होंने पूरे विस्तार में बताया उनका संस्था का क्या रोल है और किस तरह से उनकी संस्था लोगों के लिए एक्टिविटी कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लॉकडाउन में जो बेरोजगारी फैली हुई है उसमें जो अश्विन मिश्रम फाउंडेशन ने ये रोजगार लोगों को दे रहे हैं। माझं नाव सुजाता काळे आहे आणि जनसेवा साई ट्रस्टीच्या वतीने आम्ही सर्वांनी मीटिंग केल्यानंतर सर्वांनी COVID-19 सर्वांचे कामधंदे वगैरे सर्व उपासमारी व्हायला लागले ना गोरगरिबांचे। आमच्या 151 वार्डामध्ये की कोणी असं श्रीमंत नाही आहे, सर्व बेरोजगार आहेत, सर्व घरकाम महिला आहेत, घरकाम करणाऱ्या महिला आहेत, आणि बेरोजगार पुरुष, महिला, मुलं, मुली, सुशिक्षित, बेकार, कोणालाही जॉब वगैरे काही नाही। त्यामुळे आम्ही साई जनसेवा ट्रस्टी जेवढे पण आम्ही मंडळामध्ये आहोत ना, त्या लोकांनी बसून मीटिंग केली आणि हा कार्यक्रम ठेवण्याचं आम्ही कार्य केलं। त्याच्यामुळे इथे आहे ना की कोणीही, म्हणजे वरिष्ठ नेता, कुठलाही नेता आलेला नाही आहे, की COVID-19 सुद्धा कोणी आलं नाही आहे, की एकमेव हा युवा नेता आहे आमचा, एकमेव युवा नेता आहे, एकमेव धाडसी राजू थोरात, तो अर्ध्या रात्रीच्या कुठेही काही प्रसंग येऊ, अपघात होऊ, कुठे काही कोणावरती पण अडचण असो, काही पण असो, अर्ध्या रात्रीच्याला जरी त्याला कॉल केला तरी तो धावून जातो। गोरगरिबांच्या याला आम्ही सतत धावतो, कुठेही इथे 151 वार्ड असो किंवा बाहेर असो, सदैव आम्ही, म्हणजे आमची टीम सदैव त्याच्या पाठीशी असते आणि त्याला सहकार्य करत असतो आम्ही सर्वजण, कारण एकमेव असा युवा नेता आहे आमच्यामध्ये की तो खूप, म्हणजे एवढा चांगलं काम करतो आमच्या 151 की जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमती आहे त्याचं। आणि आमची टीम म्हणजे त्याचं खूप खूप आभारी आहे की आमच्या एरियामध्ये असला युवा नेता धाडशी आहे, त्याच्यामुळं खूप खूप राजू थोरातचं मी आभार मानते। नितीन केसात, मी भास्कर लिंगम, दैनिक कॅप्चर न्यूज।